जनपद में लगातार हो रही बारिश पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कहीं पर भी जलभराव ना होने पाए। अगर कहीं पर जलभराव हो रहा है तो वहां से पंप लगवाकर पानी को तुरंत निकलवाया जा रहा है, जिससे कि नागरिकों को बारिश समाप्त होने के बाद तुरंत आने जाने में कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर नगर निगम की नगर पंचायत कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा नदियों के जलस्तर का भी ध्यान रखा जा रहा है। जनपद में अभी घाघरा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिसको देखते हुए सभी बाढ़ चौक को अलर्ट पर रखा गया है। अभी राप्ती नदी सामान्य स्थिति में है। उन्होंने बताया कि अगर बाढ़ आता है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, उसमें हम लोग का प्रायोरिटी ये है कि कहीं भी जल भराव ना हो, और जहाँ भी हो रहा भी है, अगर ऐसा संज्ञान में आ रहा है, उसमें त्वरित कार्रवाई करके वहाँ से पंप्स लगवा के किसी तरह उसको पानी वहाँ से निकलवाया जाए, ताकि लोगों को इमीडिएटली बारिश खत्म होने के बाद रिलीफ मिल सके। और इस तहत कार्रवाई नगर निगम और नगर पंचायत के द्वारा की भी जा रही है। इसके अतिरिक्त नदी के भी लेवल पर ध्यान रखा जा रहा है। जैसे अभी घाघरा नियर अबाउट डेंजर लेवल के आसपास आ गया है, तो सभी बूथ हम लोग अलर्ट कर रखे हैं, जितने भी चौकीज हैं, बाढ़ चौकीज। और अभी राप्ती अभी भी चेतावनी लेवल पे ही है, तो ऐसा कोई इश्यूज वहाँ अभी नहीं है। और तैयारी पूरी है, अगर किसी तरह की विपरीत परिस्थिति होती है तो उससे प्रशासन निपटने की तैयार। सर, वो जैसे जैसे हम लोग को चेतावनी वहाँ से मिल रहा है, जो भी इंडिकेशंस मिल रहा है, उसके तहत शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। लोगों को त्वरित इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से।